हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई या 27 मई। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, संकटों को हरने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान सुख, बच्चे की उन्नति, सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत के प्रताप से धन संकट भी खत्म होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह में दो बार चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी होती है। अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। माना जाता है कि इस दिन महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है। वैसे तो हर व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, लेकिन जिस दिन चतुर्थी और चंद्रोदय का संयोग बन रहा हो उस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में ज्येष्ठ माह की एक दंत संकष्टी चतुर्थी को लेकर कन्फ्यूजन है कि व्रत 26 मई को रखना है या 27 मई को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में ज्येष्ठ माह की एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यह आपका अपना चैनल है, और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति और संकटों से मुक्ति के लिए ज्येष्ठ का संकष्टी चतुर्थी व्रत फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जो कोई भी इस दिन श्री गणेश जी की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक दंत संकष्टी चतुर्थी 26 मई रविवार को है। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला ये व्रत गणपति जी को समर्पित है। इसमें शाम को बप्पा की पूजा के बाद चंद्रमा की उपासना जरूर की जाती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना, चंद्रमा की पूजा करना शुभ माना जाता है। एक दंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी आराधना करने से, पूजा करने से जीवन में मंगल का आगमन होता है और साथ में सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से भी निजात मिलती है और हर तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह में आने वाली एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 26 मई रविवार को किया जाएगा।
चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई को शाम के 6:06 पर और 27 मई को शाम के 4:53 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। चंद्रोदय का समय है रात्रि के 10:12 पर और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:08 से दोपहर के 12:18 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 7:12 से रात्रि के 9:45 तक। आइए जानते हैं एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, यानी कि पूजा के लिए आप लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई के बाद एक चौकी पर हरे रंग का वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गणेश जी को थोड़ा सा जल अर्पित करें और उनके सामने दीपक जलाएं। सभी पूजन सामग्री और 11 या 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। दुर्वा चढ़ाने के साथ आप भगवान गणेश जी का मंत्र जरूर बोलें और इसके साथ ही आप भगवान गणेश जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को विघ्न हरने वाले और कार्य सिद्ध करने वाले देवता की उपाधि दी गई है, तो भगवान गणेश जी को उनका प्रिय भोग मोदक का भोग लगाएं और गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। अक्षत और भोग में लड्डू या फिर मोदक अर्पित करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। भगवान गणेश जी के पूजा के समय आप इस दिन संकटनाशन गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। ऐसा करने से अगर आपको कोई कार्य बहुत दिन से अटका हुआ है तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस दिन आप संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करें और रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें और व्रत का समापन करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, साथ में आप ये उपाय ये काम जरूर करें। और अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को सभी देवों में प्रथम पूज्य माना गया है। इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। माना जाता है कि चतुर्थी के दिन किए गए उपाय से मनोकामना पूरी होती है। ज्येष्ठ माह के एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को पूजा में आप 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें और 21 लड्डू अर्पित करें। गुड़ के लड्डू 21 होने चाहिए, गुड़ के 21 लड्डू अर्पित करें। साथ ही ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और घर में सुख शांति और धन ऐश्वर्य के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए, संपत्ति में वृद्धि के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को सुपारी, लौंग और जायफल अर्पित करें, क्योंकि सुपारी अर्पित करने से, लौंग अर्पित करने से, जायफल अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को पूजा में हल्दी से स्वास्तिक बनाया हुआ पान का पत्ता अर्पित करें। ऐसा करने से अटके हुए कार्य सफल होते हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और कैरियर में सफलता के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को गुड़हल के फूल या फिर गेंदे के फूल अर्पित करें। ऐसा करना शुभ होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।